आज हम पहुंचे हैं लहरतारा फुलवरिया शिवपुर फोर लेन आपको दिखाने के लिए, और उस पर जो ख़ास चीज़ है रेलवे का जो पुल बन रहा है ओवरब्रिज वाई शेप में, वो आपको दिखाने के लिए हम पहुँचे हैं बोलिया पहले, और उसके बाद लहरतारा भी जाएंगे। तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, बीच में छोड़िएगा नहीं, कितना अच्छा ये मार्ग बन रहा है फोर लेन का। इसके बन जाने से जो वरुणा पार लोग जाएंगे शहर से, वो जो मेन रोड सिगरा की है उसको छोड़ के वैकल्पिक रास्ता यह है, इससे चले जाएंगे और मेन रोड पे भीड़ कम हो जाएगी, तो एक अल्टरनेटिव या वैकल्पिक मार्ग मिल जाएगा लोगों को, इससे तेज़ी से पहुंच जाएंगे। और साथ ही साथ जो कैंट से बीएचयू की सिगरा रोड है वो खाली हो जाएगी। तो आइए हम चलते हैं, कैमरे को रिवर्स करते हैं, बैक कैमरा से आपको दिखाते हैं फुलवरिया लहरतारा फोर लेन का पुल। सामने आप देख सकते हैं ये पुल आ गया है सामने, देखिए अभी और साफ आपको दिख रहा होगा, और ये चालू हो गया है, इस पर गाड़ियां जा रही हैं। एक ट्रॉली पे देखिए सरिया लाद के लोग जा रहे हैं, और एक स्कूटर उल्टी दिशा से आते दिख रहा है आपको। ये देखिए हम इस पे आ गए ब्रिज पे, ये रेलवे लाइन के ऊपर जो बना है, और ये स्टीप लेफ्ट टर्न है, यहाँ पे इंडिकेटर वार्निंग का लगाना पड़ेगा, सावधान तेज़ मोड़ करके बोर्ड लगाना उचित होगा, जिससे कि अचानक कोई सीधे जाकर ना भिड़ जाए पुल की रेलिंग में। देखिए कार एक सामने से आई आपको देखी, तो काम की प्रोग्रेस जो है तेज़ है। और देखिए ये जो इधर जा रहा है, देखिए अभी हम आपको दिखाते हैं इंडिकेट करके, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, ये देखिए एक यहाँ देखिए, ये आप देख रहे होंगे उधर ये लेन है पीछे, ये लेन में हम दिखा रहे हैं, देखिए वो देख रहे हैं उसमें सरिया निकले हुए हैं, वो वाई का दूसरा आर्म है और वो जाएगा लहरतारा, आपको दिख रहा होगा, देखिए वो है सरिया लगे हैं, वो रोड जा रही है लहरतारा, तो लहरतारा से वो आएगी ऐसे, और हम जिस पे हैं ये है बोलिया से जा रही है सीधे, देखिए ये बोलिया से आ रही है। तो ये वाई शेप में बना है पुल, बहुत अच्छा अद्भुत टेक्नोलॉजी है मानना पड़ेगा। और देखिए दोस्तों अब एक मिनट हम यहाँ गाड़ी रोक के आपको दिखाते हैं, देखिए यहाँ पे देखिए ये ब्रिज का वाई है, वाई जंक्शन, वाई का एक आर्म ये गया है, ये जा रहा है बोलिया, और सॉरी ये लहरतारा जा रहा है, सॉरी लहरतारा ये जा रहा है लहरतारा, और ये आर्म जो जा रहा है ये है बोलिया। तो बोलिया से चढ़ के ये ट्रैफिक जाएगा सीधे इस रोड से होते हुए, और ये पुल आ गया सामने, इससे निकल जाएगा शिवपुर तक फुलवरिया होते हुए इधर से बोलिया से। और ये जो लहरतारा है तो लहरतारा से भी आदमी आ पाएगा, ये इस आर्म से आएगा, ठीक है इस आर्म से आएगा, वो भी सेम पुल यहाँ पे देखिए वाई से, ये दोनों जो ब्रांचेस हैं ऐसे वाई है, यहाँ पे ज्वाइन हो जा रही है, तो लहरतारा इधर से, ये लहरतारा और ये बोलिया, दोनों से आके ये रोड कॉमन फिर हो जाएगी, और ये चली जाएगी सीधे फुलवरिया शिवपुर। और उधर से जो ट्रैफिक आ रहा है देखिए पुल से जो आएगा लहरतारा की तरफ, तो वो उतरेगा, उसके लिए देखिए ये रोड है, उसको भी हम आपको और पास से दिखाते हैं, देखिए इधर से आ रही है ये रोड, ये जा रही है, अभी कैमरा ऊपर करते हैं, ये देखिए ये पुल है उसका, तो इस पुल से अब सीधे जाएगा लहरतारा, इसमें अभी निर्माण चल रहा है, आगे देखिए वहाँ पे आपको एक पुल और दिख रहा होगा, ये जा रही है लेन फुलवरिया शिवपुर से आते हुए ये लहरतारा जा रही है, ये लहरतारा, वो आगे देखिए और पुल बन रहा है वहाँ पे, अभी स्पैन एक आध लगने बचे हैं, ये सीधे लहरतारा निकल जाएगा। तो ये इसका जो ट्रैफिक मैनेजमेंट है ट्रैफिक प्लान है इस प्रकार से है इस पुल का। ये है जो टर्न है लहरतारा का, ये लहरतारा जा रहा है ये मोड़, तो ये लहरतारा का हो गया, अभी बन रहा है ये, इसमें काम बाकी है चालू नहीं हुआ है, और जिससे हम आए वो बोलिया का चालू हो चुका है। अब हम देखिए पुल के ऊपर आ गए, ये देखिए पुल की आर्चेस आपको दिख रही हैं, ये गोल गोल आर्चेस दिख रही हैं, और नीचे जो है रेलवे लाइन भी आपको दिखाएंगे, देखिए इधर रेलवे लाइन जो जिसके ऊपर से पुल बन रहा है, बड़ा पुल है क्योंकि कई लाइनें हैं इसके नीचे, और यहाँ से देखिए फिर लेफ्ट टर्न है,
तो ऑलमोस्ट यू शेप में बना, ये पुल जो है एक तरफ से हम चढ़ते हैं यू का एक आर्म और गोल घूमते हुए यू के दूसरे आर्म से ये हम नीचे निकल जा रहे हैं फुलवरिया। और सामने है कैंटोनमेंट, देखिए ये कैंटोनमेंट दिख रहा है, कैंटोनमेंट का एक वाइट का मंदिर जो है, मंदिर आप देख सकते हैं, बड़े बड़े हरे ग्राउंड है, पेड़ पौधे खूब लगे हैं, कैंटोनमेंट हरा भरा है। और ये हम पुल की ढलान पे फुलवरिया साइड में उतर रहे हैं। तो दोस्तों ये है बोलिया फुलवरिया, और फुलवरिया से लहरतारा का पुल, बनारस का लेटेस्ट ये जो है इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट। और आगे इस पे वरुणा पे भी पुल बन गया है, हम कोशिश करते हैं वहाँ तक चलने की, अगर दिख पाएगा तो आपको हम वो वरुणा का जो पुल बना है उसको भी दिखाते हैं। तो इसीलिए हम बार बार आपसे कह रहे हैं इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, बीच में छोड़िएगा नहीं, आपको हम ये दिखाएंगे अल्टरनेट रूट जो है आपका BHU से एयरपोर्ट तक, मैं कहूँगा जाने के लिए बेहतरीन नई सड़क एक बन जा रही है जो कि बनारस के एक अध्याय में एक नया लेख लिखेगा। ये रोड 4 लेन, देखिए यहाँ से 4 लेन की आप छटा देखिए, बीच में सेंटर में देखिए डिवाइडर पे लाइट लग चुकी है और थोड़े थोड़े अभी बननी बची है। और इधर देखिए कैंटोनमेंट का ये वॉच टावर है, कैंट में कोई घुसे न जासूस, उसकी निगरानी के लिए सुरक्षा करने के लिए हमारी फौजों की ये टावर बना हुआ है, फौज का टावर। अब हम और आगे जा रहे हैं कैंट को पीछे छोड़ते हुए, फुलवरिया में प्रवेश कर चुके हैं। हाँ, और देखिए एक और पुल आ गया, ये दूसरी रेल लाइन जो गई है उस पर लगता है बना है, अभी हम देखते हैं किसके ऊपर है ये, इस पुल पे भी हम जाएंगे, चालू तो लग रहा है। ये देखिए ये बंद है, इस पे तो रास्ता बंद है, जा नहीं पाएंगे, ठीक है हम यू टर्न ले लेंगे, कोई बात नहीं, हम पैदल उतर के थोड़ा आपको दिखाएंगे। यहाँ से गाड़ी बैक होगी तब तक हम आगे चल के आपको दिखाते हैं, हम आ रहे हैं आगे से पुल आपको दिखाते हुए। अच्छा, ये ऐसे बंद किया इन्होंने कि कोई जा ना पाए, सुरक्षा का पूरा इंतजाम किया हुआ है, लेकिन इधर जगह है, निकल गए। तो ये देखिए दोस्तों, ये दूसरा जो पुल है आगे उस पर हम आ गए, इस पर आपको दिखाते हैं कहाँ तक बना है, अभी इस पर काम चल ही रहा है, जब तक ये नहीं बनेगा ये रास्ता चालू नहीं होगा। तो उम्मीद यही करते हैं कि G20 की जो जून में मीटिंग्स लाइंड अप हैं उसके पहले ये पूरा बन जाए और आवागमन की सुविधा लोगों को मिल जाए। दोपहर का समय और धूप के कारण काम करने वाले अभी खाना खाने और आराम करने गए हैं। आगे देखिए पुल का आर्च आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पर सेफ्टी के लिए रोका गया है, बैरियर लगा है और सेफ्टी के नियमों का पालन करना अच्छी बात है। ये सेक्शन अभी इस पर देखिए ये लगा हुआ है, जो नीचे सपोर्ट लगे हैं अभी बनना बचा है, तो ये बनेगा अभी। ये देखिए काफ़ी बड़ा पुल बन रहा है,
और ये रेलवे की लाइन है देखिए, तो ये रेल लाइन के ऊपर दूसरा जो पुल है ये है, और इसके आगे वरुणा नदी पड़ेगी वहाँ पे भी पुल होगा, उस पर हम कभी बाद में आपको दिखाएंगे, अभी इधर से जाने का तो रास्ता है नहीं। यहाँ पे यहाँ तक हम आ सकते थे और यहाँ तक हमने आगे पूरा अपने चैनल पे आपको दिखाया, तो दोस्तों काइंडली एक्नॉलेज दिस थिंग कि हम इतना तकलीफ मेहनत और ख़तरा मोल लेके आपको ये दिखा रहे हैं अद्भुत पुल फुलवरिया के जाने के लिए शिवपुर तक, और फोर लेन यहाँ देखिए सपोर्ट लगे हैं और इस पर यहाँ तक बन गया है, ये बना है यहाँ तक बन गया है, यहाँ से यहाँ तक बना है, और इसके आगे जो है ये नीचे सपोर्ट तो आ गए हैं सपोर्ट, और इस पर ऊपर जो है स्पैन लगेगा, स्पैन प्री कास्ट स्पैन लगा के इसको बना दिया जाएगा। तो ये है दोस्तों, तो ये जिस लेन पे हम खड़े हैं ये हमने आपको दिखाई, ये लहरतारा से जाने वाली ये लेन है, और देखिए ये डिवाइडर हो गया, ये जो है डिवाइडर है, तो डिवाइडर के बाद इधर इस तरफ जो लेन है वो है शिवपुर से आने वाली, फुलवरिया शिवपुर से आने वाली वो लेन है, ये दो लेन ये है, दो लेन ये और दो लेन ये जाने वाली, तो बहुत ही मेजर ये इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है, चारों तरफ घूम के मैंने आपको दिखाया। देखिए ये जिस रोड से हम आए फुलवरिया से शिवपुर जाने के लिए, और फिर ये डिवाइडर है, ये जो है डिवाइडर है, और डिवाइडर के उस पार जो है वो रोड आ रही है फुलवरिया शिवपुर होते हुए, और ये जाएगी सीधे लहरतारा इधर जाएगी। तो वीडियो को समाप्त करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दीजिए, घंटी का बटन दबाइए फॉर ऑल नोटिफिकेशन, जिससे वीडियो अपलोड होती है आपको सूचना मिल जाए, वीडियोस देखिए अच्छे लगे तो लाइक करिए कमेंट करिए शेयर करिए, और सुपर थैंक्स ज़रूर दीजिएगा, इतनी मेहनत का कुछ प्रतिफल मिले दोस्तों, तो सुपर थैंक्स की उम्मीद है हमें, आप ज़रूर देंगे। फिर मिलते हैं अगले अंक में, तब तक के लिए नमस्ते, हर हर महादेव।